माँ मुझे थोड़ा आराम करना है। स्कूल क्लास पढ़ाई से थककर बेटी ने माँ से कहा। अरे बिटिया अच्छी पढ़ाई कर, बाद में आराम ही तो करना है। बिटिया उठी पढ़ने बैठी और फिर आराम करना तो रह ही गया। मां मुझे थोड़ा समय दो, दो घड़ी आराम कर लूं, ऑफिस से थक कर आई। बिटिया ने कहा, अरे शादी कर ले और सेटल हो जा, फिर आराम ही आराम करना। बिटिया शादी के लिए तैयार हो गई और आराम करना तो रह ही गया। अरे इतनी क्या जल्दी है, एक आध साल रुकते हैं ना। अरे समय के साथ बच्चे हो जाए तो टेंशन नहीं, फिर आराम ही आराम है। बिटिया मां बन गई और आराम करना तो रह ही गया। तुम मां हो, तुम्हें ही बच्चे के साथ जागना पड़ेगा। मुझे सुबह ऑफिस जाना है, बस थोड़े दिन बच्चे बड़े हो जाए फिर आराम ही आराम है। वो बच्चों के लिए कई रातें जागी और आराम करना तो रह ही गया। सुनो जी, बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं, अब तो दो घड़ी बैठने दो आराम से, बच्चों की तरफ ध्यान दो, उनको पढ़ा लो, फिर आराम ही आराम है। बच्चों का प्रोजेक्ट बनाने बैठी और आराम करना तो रह ही गया। बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए, अब कुछ आराम कर लूं, अब बच्चों की शादी करनी है, ये जिम्मेदारी पार पड़े कि फिर आराम ही आराम है। उसने हिम्मत जुटाई, बच्चों की शादी का काम निपटाया और फिर आराम करना तो रह ही गया। बच्चों का अपना संसार चलने लगा, अब मैं जरा आराम कर लूं। अरे अब अपनी बिटिया मां बनने वाली है, पहला बच्चा मायके में होगा ना, चलो तैयारी करो। हमारी बिटिया की डिलीवरी हो गई और आराम करना रह ही गया। चलो ये जिम्मेदारी भी पूरी हुई, अब आराम। मां जी मुझे नौकरी पर वापस जाना होगा, तो आप आरव को संभाल लेगी ना। नाती के पीछे दौड़ते दौड़ते थक गई और आराम करना रह ही गया। चलो नाती भी बड़ा हो गया, अब सारी जिम्मेदारी खत्म, अब मैं आराम करूंगी। अरे सुनती हो, घुटने दुख रहे हैं मेरे, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, बीपी भी बढ़ गया है, शायद डायबिटीज भी है, डॉक्टर ने परहेज करने को कहा है। पति की सेवा में बचा कुचा जीवन गुजर गया और आराम करना तो रह ही गया। एक दिन भगवान खुद धरती पर आए और कहा, आराम करना है ना तुझे। उसने हाथ जोड़े और भगवान उसे ले गए, आखिरकार उसे आराम मिल ही गया हमेशा के लिए। सभी स्त्रियों को समर्पित ये एक छोटी सी विचारधारा, किसने लिखा ये तो पता नहीं, पर मुझे अच्छा लगा, सोचा ये तमाम स्त्रियों की कहानी अगर मैं आप तक पहुंचाऊं और उन तक पहुंचाऊं, विशेषकर जो पुरुष है, जो बच्चे हैं, काश के वो समझ जाए कि हमारी माएं हमारे लिए करती क्या है। और यदि आपको लगे कि ये सब सच है, कहीं ना कहीं आपकी नजर में आया है, तो कृपया उनके बारे में सोचें और उन्हें उतना ही हक दे जितना आप अपने आप को देते हैं आराम के विषय में, उन्हें भी आराम करने का पूरा पूरा मौका दें। धन्यवाद।